बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था हमने, तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल्स के अंदर हमने चेंज करना है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज करना है अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस में। हमने मतलब पॉइंट बाद हमने मैक्सिमम जो नंबर आने चाहिए वो हमारे पास 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। आए हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4/3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 को पावर 4 को अंदर, 3 वन कैरी पॉइंट लगा के हम 0 तो आ गए, ठीक है। अब मैंने हमने जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की जो हमने डेसिमल फॉर्म्स हमने पढ़ी है, अगर हमारे पास कोई भी इवन जो और वो आता है प्राइम नंबर आता है 2 और 5 के अलावा, किसी डिनोमिनेटर किसी भी कोई भी प्राइम नंबर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर प्राइम नंबर हो एक्सेप्ट दी 2 और 5। 2 और 5 के अलावा कोई भी हमारे पास प्राइम नंबर आ जाए, डिनोमिनेटर अगर किसी भी फ्रैक्शन का प्राइम नंबर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है। ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखें 3 जो है किसी प्राइम नंबर, अगर ये प्राइम नंबर है तो ये फ्रैक्शन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी, ठीक है। अब हमने नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, और उस हमने 3 डेसिमल तक हमने उसको 3 डेसिमल प्लेस तक हमने उसको लेके जाना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ तक 3 का टेबल पढ़ा है, 3 का टेबल 4 तक 1 तक पढ़ा है, तो 3 आया। तो स्टूडेंट्स, हमने अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ तक तकरीबन हम कर चुके हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व, तो अब हमने इसको लिखना है डेसिमल फॉर्म में, लेकिन हमने इसको 3 डेसिमल प्लेस तक लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद 3 3 3 9 1 फिर 0 उतारने ऊपर से 3 3 9, ठीक है। उसके बाद 1 आ जाएगा, फिर 0 उतारने ऊपर से 3 3 9 और फिर 1, ठीक है। हम इसका जो आंसर लिखेंगे, आंसर 1.33 नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन एंड रिपीटिंग फ्रैक्शन, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, हमारे पास जो वही नंबर एक बार मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2/7, ठीक है। इसका जो अगला पार्ट क्या है, 2/7, ठीक है। इसको भी हमने सॉल्व करना है, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है और नॉन टर्मिनेटिंग। अब देख रहे हैं कौन सी फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, हमें कहाँ से पता चल रहा है, इसका जो डिनोमिनेटर नीचे 7 आ रहा है, 7 इट इज़ अ प्राइम नंबर। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर प्राइम नंबर हो 2 और 5 के अलावा, वो 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं,
सेवन को अगर हम बाहर रखें और टू को अंदर, अब पॉइंट लगा के और ज़ीरो तो आ रहा है, ठीक है। सेवन वन द सेवन टू द 14, सेवन थ्री द 21 बनता है, ये 20 है, सेवन टू द 14। अब यहाँ से 10 में से 6 में 4 माइनस करें 6 आता है, और 1 में से 1 0, ऊपर से फिर 0 तो आ रहा, ठीक है। सेवन एट द 56, अब ऊपर से 4 बच गया, 75 का इतना बन जाएगा 35, तो अब नीचे कितना बचता है 5। अब ये फ्रैक्शन हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, लेकिन ये 3 डेसिमल फॉर्म में लिखना 285 हमारा क्या आ जाएगा, अब 200 मतलब ये आगे चलती जा रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5/11 पार्ट इसका 3 है, 5/11, ठीक है। अब 5/11 हमारे पास है, तो इसको अभी हमने सॉल्व करना है, अब 11 है तो हम यहाँ 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे और हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। अब 11 का हमने टेबल पढ़ना है, 50 हमारे पास, 11 4 का 44 कितना बच गया हमारे पास 6, ऊपर 0 था, 5 का 55 कितना बच गया 5 बच गया, फिर ऊपर से 0 उतार लें, और 11 4 द 50 44, ये फिर 6 से बच गया। अब ये जो फ्रैक्शन है ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है और ये चलती रहेगी, जीरो आंसर में हम क्या लिखें 0.454 आंसर, और ये अप टू 100 ऑन चलती जा रही, ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। और इसी तरह जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन हैं बिल्कुल आसान, डिवीजन डिवाइड करना है, ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है डिविजिबल के हैं, मतलब डिवाइड करके देखना है आप लोगों ने। तो कुछ क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, तो वो क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क में करने हैं। तो अब क्वेश्चन इसका पार्ट जो है 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 जो है 8/13, 5 पार्ट क्या है 10/6, ऐसे डिवाइड करके देखने, और हमने जो आंसर है वो 3 डेसिमल प्लेस तक लेके जाना है। तो नेक्स्ट क्या है 6, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका 5 है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 है, ठीक है, 24/22, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7/12, ये जितने भी क्वेश्चन है हमारे पास 8/13 है, इसको अपने डिवाइड सिंपली डिवीजन है, या क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ, ये डिवीजन क्वेश्चन है और आपको ये आते हैं क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 3 का पार्ट 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद पार्ट 7 है, ये 24/22 है और 7/12 है, फर्स्ट ऑफ ऑल 8/13 है, उसके बाद 10/6 है, 24/22 है और 7/12 है, चार क्वेश्चन है टोटल। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, और उसमें हमने आंसर जो है वो 3 डेसिमल प्लेस तक लेके जाना है, उससे आगे नहीं जाना आप लोगों ने, ठीक है, और आगे डॉटेड लाइन लगा देने को ये जो है क्वेश्चन जो है आगे मूव कर रहा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको करना है। तो नेक्स्ट हम इससे अगला क्वेश्चन जो है राउंड ऑफ कैसे करते हैं किसी नंबर को वो हम करेंगे, तो उस वक्त तक आप लोगों ने ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तो उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।